हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, एक नए क्लोन के साथ मैं आ चुका हूँ, ठीक है। जिसमें आज की क्लोन में गाइस हम क्या बनाना सीखेंगे, गूगल ड्राइव, जिसमें ऑथेंटिकेशन होगा फायरबेस का, स्टोरेज भी होगा फायरबेस का, एंड होस्टिंग भी होगी फायरबेस की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैंने सिंपली ये मेरी लॉगिन स्क्रीन होगी, ठीक है। द लॉगिन स्क्रीन पर द मोमेंट मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे साइन इन का पॉपअप आएगा गूगल के साथ। और मैं किसी भी अकाउंट से अगर लॉगिन करता हूँ, लेट सपोज़ मैंने एक अकाउंट से अपने लॉगिन करता हूँ, तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा अपनी ऐप में। एंड ये है गाइस हमारा गूगल ड्राइव का क्लोन, ठीक है, जो कि सिमिलरली काफ़ी हद तक जो है गूगल ड्राइव की तरह। अगर ये आपको मैं दिखाऊंगा तो ये ओरिजिनल गूगल ड्राइव है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ आइकन फ़ोटोज़ एंड यहाँ पर भी हमारे आइटम दिखते हैं जो हमने अपलोड करे होंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली ये हमारा क्लोन है, ठीक है। कैसे ये फंक्शनिंग करता है, न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको जो भी अपलोड करना है यहाँ से आप फाइल चूज़ करेंगे। लेट सपोज़ मुझे ये फाइल अपलोड करनी है, अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, जब तक अपलोडिंग होता है यहाँ पर अपलोडिंग लिख के आएगा। द मोमेंट अपलोडिंग डन हो जाएगी गाइस, मेरी फाइल यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी और मेरे डेटाबेस के अंदर भी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अदर क्लोन से गाइस बिल्कुल ही डिफरेंट है ये क्लोन, क्योंकि किसी में मैं ऑथेंटिकेशन बताता हूँ, किसी में कोई और चीज़ बताता हूँ, किसी में कोई और चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो टोटल इसने दिखा दिया कि मेरी ये फ़ाइल अपलोड हुई है, नहीं ये नई फाइल है, ये टाइम दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये साइज़ भी दिखा रहा है कि 12 MB की फ़ाइल थी। द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख भी सकते हो कि आपने ये सीधा डाउनलोड भी होने लग जाती है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर चलोगे और स्टोरेज में देखोगे तो स्टोरेज में फाइल्स के फोल्डर के अंदर हमारा यहाँ पर एक और फाइल ये देखो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर फायर स्टोर के डेटाबेस में भी हमारा ये सब स्टोर हो गया होगा जो फाइल मैंने अभी बनाई थी, ठीक है। ये देखो, तो इसी तरीके से गाइस ये हमारा गूगल ड्राइव का क्लोन होगा। ये क्लोन हम बनाना सीखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट है अदर क्लोन से, कुछ नई चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, इस वीडियो का टारगेट होगा 100 लाइक्स, क्योंकि आप में से सारे लोग वीडियो देखते हैं और लाइक कोई नहीं करता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, और मुझे वो सब चीज़ को देखकर बहुत मोटिवेशन भी मिलती है, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट आते रहेंगे गाइज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहोगे तो मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आऊँगा। अगर लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं होगा, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे चैनल पे, तो मैं खुद ही डिमोटिवेट होकर यार एक दिन ऐसा होगा कि फिर मैं खुद ही सोचूंगा यार कहाँ बना रहा हूँ मैं, कुछ कोई देख तो रहा नहीं है, है ना। तो वही है, लाइक ज़रूर करें, 100 लाइक्स का गाइस इसमें टारगेट है आपका। तो जो कोई भी वीडियो देख रहा है लाइक ज़रूर करें। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, देखो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, आपको पता होगा रिएक्ट यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, CMD खोल लेता हूँ, ठीक है। हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर npx create रिएक्ट ऐप, ठीक है। इस कमांड से आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। स्पेस देके आपको अपनी ऐप का नाम देना है। लेट सपोज मैं देता हूँ गूगल ड्राइव क्लोन YT, ठीक है। द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट होना गाइज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मेरी देखो, अब अगर आप देखोगे गूगल ड्राइव क्लोन YT, एंड यहाँ पर package.json आ चुका है, और अभी बहुत सारी फाइल्स हैं जो जनरेट होंगी, ठीक है। तब तक मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। सिंपली गाइज देखो, पहली चीज़ जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑब्वियसली React JS, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर करेंगे React के हुक्स, वो तो आपको पता ही है वो होंगे यूज़ ऑब्वियसली, ठीक है। फायरबेस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे गाइज, फायरबेस वी विल यूज़ फॉर होस्टिंग, ठीक है। वी विल यूज़ फॉर ऑथेंटिकेशन एंड वी विल यूज़ फॉर स्टोरेज, ठीक है। एंड वी विल यूज़ फॉर डेटाबेस, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए हमारा यूज़ होगा फायरबेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यूज़ उसमें करेंगे लाइब्रेरी का, वो होगा मटीरियल UI, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट्स इट गाइस, बस इतना ही यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अब वन बाय वन एक एक कंसेप्ट देखना ज़रूरी है, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हो, उस तरीके से देख सकते हो वीडियो को, लेकिन स्किप ना करें कोई भी पार्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट गाइस क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब हमें क्या करना है, इसको खोलना है विजुअल स्टूडियो में इस कोड को, ठीक है। जस्ट बेयर विद मी,
ऑलमोस्ट डन, हैप्पी हैकिंग आ गया, मतलब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है गाइज, सीडी जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम बनाया था, गूगल ड्राइव क्लोन YT, ठीक है, देन कोड स्पेस डॉट। द मोमेंट मैं एंटर हिट करूँगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है गाइज विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट अभी मेरा विजुअल स्टूडियो में हो चुका है ओपन। तो थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, जैसे पैकेज लॉग डॉट जेसन हमें नहीं चाहिए, हम हटा देते हैं। और साथ ही साथ में मैं पहले क्या कर देता हूँ, प्रोजेक्ट को रन भी कर देता हूँ। npm स्टार्ट से हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे, डू यू लाइक अनदर पोर्ट, यस 3000 पे हमारी एक्चुअल ऐप चल रही है, 3001 पे हमारी डमी ऐप चलेगी, ठीक है। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट रेडी है। अब जल्दी जल्दी से हमें जो हटाना हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। src फोल्डर के अंदर हमें ऐप css नहीं, ये भी नहीं चाहिए, लोगो नहीं चाहिए, रिपोर्ट वाइटल नो, सेटअप टेक्स्ट नो, पब्लिक के अंदर से लोगो नो, ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ से index.html में हम जाएंगे गाइज, यहाँ से हमें ये कमेंट वाला सेक्शन हटाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइटल में सिंपली दे देंगे गूगल ड्राइव क्लोन, ठीक है। रेस्ट ये कमेंट हम हटा देंगे, एंड उसके बाद हम index.js में जाएंगे, वी डोंट नीड दिस एंड वी डोंट नीड दिस। ऐप हमारी अभी रन नहीं हो रही है, हमें जाना होगा इंडेक्स app.js में, यहाँ से हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके अंदर हम सिंपली लिखते हैं गूगल ड्राइव क्लोन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे आपको, आप देख सकते हो गूगल ड्राइव क्लोन, ठीक है। तो इतना काम रेडी है गाइज, अब जल्दी जल्दी से ऐप को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा फ्रंट एंड का पार्ट गाइज कंप्लीट होगा, फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम बैक एंड पे जंप करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वगैरह सब हम उसके बाद करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर ये मार्जिन आ रही है जो ऊपर से, इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, index.css में जाना है, ठीक है, स्टार, और उसके बाद हम सिंपली लिखेंगे मार्जिन 0। इससे क्या होगा कि जो भी HTML के एलिमेंट मार्जिन लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो सब की हमने कर दी है 0, ठीक है। तो यहाँ से मार्जिन हमारी हो चुकी है 0, दिख रहा था गूगल ड्राइव क्लोन हमारा आ चुका है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ये हेडर सेक्शन, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें ये वाला सेक्शन बनाना है, ये जो हेडर सेक्शन है ना, ये तो ये हेडर सेक्शन हम बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे गाइस, इसका हम डिफरेंट कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पर src के फोल्डर में, और हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं header.js, ठीक है। rfce मैं लिखता हूँ, बॉयलर प्लेट रेडी, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्लास नेम हम दे देते हैं हेडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम हेडर, और इसको सिंपली आपको app.js में क्या करना है गाइज, इम्पोर्ट करना है। और हम यहाँ पर अब देखते हैं अपनी ऐप में, तो आई एम हेडर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, हेडर के अंदर आप देखोगे तीन सेक्शन अलग अलग हैं, एक हेडर का लोगो का वाला सेक्शन हो गया, एक सर्च वाला हो गया, एंड एक ऑप्शंस वाला हो गया, ठीक है। तो सिंपली हम हेडर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ क्लास नेम, जिसका नाम होगा हेडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर लोगो, ठीक है। एंड सिमिलरली हेडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर सर्च, सर्च, एंड ये होगा हेडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑप्शंस, ठीक है। अब हेडर इसके अंदर क्या होगा गाइज, हमें सिंपली आप यहाँ पर अगर देखोगे गूगल ड्राइव वाला जो क्लोन मैंने बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास है एक लोगो लेफ्ट साइड में, एंड फिर स्पैन टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगो आप सिंपली गूगल में जाएंगे, एंड गूगल से आप गूगल ड्राइव का लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर सिंपली क्या कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर लोगो लिया, एंड स्पैन में ले लिया ड्राइव, ठीक है। सिमिलरली गाइज हेडर सर्च के अंदर क्या होगा, हेडर अभी हमें अगर आप देखोगे, मैं इसको करता हूँ सेव, एंड लेट्स सी, यहाँ पर लोगो बहुत बड़ा आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं सिंपली src फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और बनाते हैं css का, जिसके अंदर हम सिंपली लिख देंगे header.css, ठीक है। और हेडर को दे देते हैं हम यहाँ पर css,
CSS होगी डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्ट गिव मी गाइस वन सेकेंड ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैक्स की जगह हम एक काम करते हैं, पहले मैं जो हेडर का पार्ट है इसके अंदर जो इसका हम क्या करते हैं, हेडर लोगो, ठीक है, हेडर लोगो के अंदर जो आईएमजी है इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल। तो लेट्स सी कैसा दिखता है। अच्छा, हेड अभी हमने जो है सीएसएस इंपोर्ट नहीं करी है, तो हेडर में चलेंगे, सिंपली इंपोर्ट कर देंगे CSS को कहाँ से, डैश CSS के फोल्डर से header.css, सिंपल। तो header.css हमने इंपोर्ट कर लिया है एंड header.css को मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ऐप को। .img एक्चुअली गलत आ गया, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और सिमिलरली हम इसको क्या करते हैं, हेडर लोगो जो है इसके अंदर स्पैन टैग भी है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो स्पैन टैग है एकदम सेंटरली अलाइन हो जाए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हेडर लोगो के अंदर जो हमारा स्पैन टैग है उसको फॉन्ट साइज दे देते हैं 22 पिक्सल का, और मार्जिन लेफ्ट हम दे देंगे इसमें 10 पिक्सल, और कलर हम इसको दे देंगे ग्रे। लेट्स सी, ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हमें काम करना है हेडर सर्च पे, ठीक है। अब हेडर सर्च पे हमारे पास क्या है गाइस, देखो मटेरियल यूआई के कुछ आइकन है, तो उसके लिए हमें मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मटेरियल यूआई पे मैं गया, गेटिंग स्टार्टेड पे हम जाएंगे, और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में इंस्टॉलेशन, देन पहले हमें ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ अलग से, और यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, ठीक है। पहले हमें कोर वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है मटेरियल यूआई के आइकन्स अगर हमें चाहिए होते हैं, उसके बाद कोर लाइब्रेरी से, क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए होता है जैसे आगे अभी आपको पता लगेगा। उसके बाद हमें करना है npm इंस्टॉल दिस मटेरियल यूआई आइकन्स, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, या फिर कुछ एरर आई, आई थिंक व्हाट इज़ द एरर, एक बार मैं फिर कर लेता हूँ। एरर क्या थी वैसे, ठीक है, हो चुका है। अब हमें दूसरी वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है मटेरियल यूआई स्लैश आइकन्स वाली, ठीक है। जब ये हमारा हो जाएगा गाइस, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आइकन्स में जाना है, यहाँ पर मैं चलता हूँ तो आइकन्स में आ गया, ठीक है। और अभी मैं एक बारी करके आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूँगा। जैसे हमें ये सर्च का आइकन चाहिए एंड हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, लेट्स सी इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, ठीक है, इंस्टॉल अभी हो चुका है, ठीक है। अब लेट्स सी हमें जैसे कोई सर्च का आइकन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च, ये आइकन हमें यहाँ पे मिल जाएगा सर्च का, आउटलाइन सर्च का आइकन में ऐसा क्यों आ रहा है, ओके, ठीक है, ये आइकन है, मैंने यहाँ से कोड करना है कॉपी, इंपोर्ट वाला हेडर में करेंगे इंपोर्ट। और यहाँ पर गाइज अगर आप देखोगे अभी, तो यहाँ पर आप सिंपली जो है हेडर सर्च के अंदर इसको डाल दोगे, तो जो हमारी साइट है क्या बोल रहा है, सर्च नॉट फाउंड, एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, एक्चुअली हमारी ना लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हुई है, कुछ एरर आई है, npm install this enter, इंस्टॉलेशन में कुछ एरर आई है गाइज, तो लेट्स सी एक बार मैं फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको। package.json में हम उसे देख सकते हैं, मटेरियल यूआई आइकन्स एंड मटेरियल यूआई कोर दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं यार यहाँ, तो ये बता रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड व्हाट सर्च हेडर डॉट जी एस में चलता हूँ,
अभी के लिए मैं सारे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने करा सर्च आइकन एंड सर्च आइकन, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एक बारी मैं इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यस, npm स्टार्ट, लेट्स सी क्या एरर आती है अब। यस, ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा गाइस बेसिकली होता नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है कि सर्च दिस ओहो mu.icon से मैं कहाँ आ गया, एक सेकंड रुक जाओ यार। मटेरियल यूआई आइकन्स, अच्छा इन्होंने साइट का वो चेंज कर दिया क्या, मटेरियल यूआई आइकन्स, क्योंकि इंपोर्ट ये कहीं और से हो रहा है। एमयू आइकन आ रहा है इसमें तो कुछ, अगर मैं यहाँ पर नो, ये इस तरीके से तो इंपोर्ट नहीं होता है। मटेरियल आइकन्स, वन सेकेंड गाइस, गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन, ओके। ये जस्ट ये साइट अभी अपडेट हुई है या फिर मैं कोई दूसरा वर्जन यूज कर रहा हूँ इसका। ओके, वर्जन 5, और देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्जन है। वर्जन 4 के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, और यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें मैंने वर्जन 4 यूज़ करा है आई थिंक, और यहाँ पर ये वर्जन 5 अभी अपडेट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं वर्जन 4 वाले ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइकन्स में चलते हैं हम एक बारी, सर्च आइकन, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं सर्च, ये वर्जन 4 है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना मटेरियल डैश यूआई, तो हमने तो यही वाला इंस्टॉल करा है इसलिए वो एरर आ रही थी, ठीक है। अब मैं एक बारी अपना कोड दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके, तो शायद अब हो जाएगा, ठीक है। देखो सर्च का आइकन आ गया ना, और इसी तरीके से जैसे हमें दूसरा आइकन चाहिए, फॉर्मेट, लेट्स सी मुझे ये वाला चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जितने भी आइकन आगे यूज़ होंगे हमें इसी तरीके से उनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट टाइप एक टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसका प्लेस होल्डर होगा गाइज सर्च इन ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पर हमारा दूसरा आइकन आ जाएगा, तो लेट्स सी, ये देखो हमारे दो आइकन आ चुके हैं, सेम आइकन है एंड दिस। उसके बाद हमारे पास ये राइट साइड का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर ऑप्शंस के अंदर मैं जाऊंगा, या फिर आप हेडर हेडर आइकॉन मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दो आइकन है, फिर स्पेस है, फिर दो है ना, तो हम सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दो स्पैन टैग बना लेता हूँ, ठीक है। दो आइकन इस वाले स्पैन टैग के अंदर आ जाएंगे, दो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से कुछ आइकन हमें जैसे चाहिए, हेल्प ये वाला आइकन, सिमिलरली हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक हमें चाहिए होगा सेटिंग, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। और एक और हमें क्या चाहिए, ऐप, ऐप का आइकन, ठीक है। तो ये तीन हमें आइकन चाहिए होंगे, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर एक कॉल कर देता हूँ फर्स्ट, फिर हेल्प का आइकन, एंड फिर दूसरे स्पैन टैग में ऐप आइकन एंड एवेटार, और फिर यहाँ पर हम
अवतार को कर लेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कहाँ से होगा, कोर से। ये देखो कोर से इम्पोर्ट हुआ है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास चार आइकन और आ जाएंगे, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। अभी कंपाइलिंग हो रहा है तो इसलिए वो टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो ठीक है कंपाइल हो चुका है, आई थिंक ये दिखने लग गए होंगे, ठीक है। अब इसके गाइस कुछ स्टाइलिंग करते हैं हेडर की, तो जल्दी जल्दी से मैं हेडर की स्टाइलिंग कर लेता हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाता भी हूँ ऐप, ठीक है। ये हमारी ऐप है और इसको मैं कर देता हूँ इतनी स्क्रीन पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे CSS, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडर में क्या करता हूँ गाइस, ऊपर हेडर से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडर में हेडर डॉट सी एस एस में हमें क्या करना है, लेट मी इसको सबसे पहले अभी देखो। अगर मैं आपको दिखाऊं ऐप दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऐप है, ये लेफ्ट में है, फिर ये मिडिल में है, फिर ये राइट में है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हेडर को हम इसको दे देते हैं डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला है वो 300 पिक्सल ले लेगा, बाकी ऑटो एंड देन 200 पिक्सल, ठीक है। द मोमेंट मैं इसको सेव करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट सारे जो है अलाइन आइटम सेंटर हो जाएंगे और पैडिंग दे देंगे टॉप से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ठीक है। एंड हाइट में दे देता हूँ 60 पिक्सल की, एंड देन बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, तो हमारा बॉर्डर भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हेडर लोगो हमारा हो चुका है, हेडर SVG स्पैन जो है हमने दे दिया है इसको, ठीक है। अभी अगर मैं इसको इतना भी दिखाऊँ आपको, तो ये पार्ट हमारा हो चुका है, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा डन है। अभी हमें मिडिल वाला पार्ट करना है, ठीक है, सर्च वाला। तो सर्च वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली हेडर सर्च में कौन सी क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। हेडर सर्च में मैं जाता हूँ और इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ ताकि सारे सेंट्रली अलाइन हो जाए, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 700 पिक्सल की, और नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, ठीक है। एंड देन पैडिंग 12 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो आप देख पाओगे ये हमारा कुछ इस टाइप से बन के रेडी है, देखो, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इनके अंदर हेडर सर्च के अंदर जो हमारा इनपुट है ये पता ना चले कि इसके अंदर इनपुट है ना, ऐसा लगे पूरा का पूरा ही इनपुट है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है। और बॉर्डर जीरो कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर आउटलाइन भी जीरो, क्लिक पे जीरो हो जाए। और फ्लैक्स वन, मतलब अब देखो फ्लैक्स वन में क्या होता है, अभी क्या है कि ये इसकी विड्थ इतनी तक आ रही है, द मोमेंट मैं फ्लैक्स वन करूंगा ये पूरा विड्थ ले लेगा जितना स्पेस है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम चलते हैं अपने इस राइट वाले पार्ट में, ठीक है। ये हेल्प का आइकन दो बार ही आ गया यार, आई थिंक सेटिंग आइकन था वो, सेटिंग आइकन, ठीक है, सेटिंग आइकन आ गया है ना। अब चलते हैं अपने CSS में और सिंपली हेडर आइकन्स कहाँ पे है हमारा, हेडर आइकन्स दिस, और इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, ठीक है। और अगर हम अभी देखें, ओके ये क्यों नहीं आया, अच्छा क्योंकि ये स्पैन के अंदर है ना, तो हम स्पैन में भी सेम कर देंगे, जो भी आइकन हमारे हैं वो सेम स्पैन के अंदर भी हो जाएंगे। तो ये सारे अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरा हम स्पैन में क्या चाहते हैं, मार्जिन लेफ्ट हम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि हेडर आइकन्स जो हमारे हैं इसके अंदर हमारे जो डॉट मटेरियल स्लैश आइकन्स हैं
इसको कलर हम कर देते हैं क्या, RGB 36 36 36। ओहो ठीक है, तो ये ऑल सेट है। इसको मैं यहीं कर लेता हूँ ताकि हम कंपेयर भी कर सकें ना अपनी ऐप को। ओके अच्छा, थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा है, तो स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हेडर सर्च, ऑल राइट, दिस, इसमें मार्जिन दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली मार्जिन हमें देनी चाहिए इस पे ना, स्पैन के अंदर जो ये है मार्जिन 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल ज़्यादा है, 10 पिक्सल इज इनफ। ओके तो मैं यहाँ से ये CSS उठा लेता हूँ, और हम क्या करते हैं, हेडर आइकन्स के अंदर जो हमारी ये क्लास होगी उसमें हमारे पास ये मार्जिन आ चुकी है। ठीक है, तो हेडर हमारा सिमिलर बन चुका है गाइज। अब हमें बना रहा है साइड बार वाला पार्ट। ठीक है, तो साइड बार बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतना पार्ट गाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हमें बनाना था साइड बार। ठीक है, तो साइड बार में भी हमें पहले हमें चाहिए बटन, फिर हमें चाहिए ये साइड बार के ऑप्शन। तो सिंपली हम चलते हैं अपने कोड में, हेडर का कोई काम नहीं है अभी, सारे यहाँ से बंद कर देता हूँ। SRC के फोल्डर में आपको जाना है, और यहाँ पर सिंपली एक साइड बार .js क्रिएट कर लेंगे हम, RFCE में करूँगा। और यहाँ पर इसकी क्लास नेम हम दे देते हैं साइड बार। ठीक है, साइड बार दे दिया, और इसमें एक CSS इम्पोर्ट कर लेंगे हम, css/sidebar.css यहाँ से। ठीक है, तो CSS के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं साइड बार .css। ठीक है, और साइड बार के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले हमारे पास साइड बार बटन है, फिर साइड बार के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक यहाँ पर डिव जिसका क्लास होगा साइड बार अंडरस्कोर 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 बटन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिंपली एक HTML का बटन लूँगा गाइस। ठीक है, और बटन में क्या होगा, एक इमेज होगी, और एक स्पैन टैग में हमें सिंपली लिखा होगा न्यू। ठीक है, तो वो इमेज भी आपको गूगल से मिल जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इमेज डाली और न्यू को डाला, तो यहाँ पर आप देख पाओगे। अच्छा, साइड बार अभी हमने इंपोर्ट नहीं करी है app.js में, तो हेडर हमारा होगा ऐप के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ जो मल्टी लाइन का कोड होता है, और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा साइड बार। तो साइड बार का ही आप देख सकते हो, यहाँ पे बटन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये साइड बार के कुछ ऑप्शंस हैं, इसको डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ गाइस, मटेरियल UI आइकन हमें चाहिए होंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी आइकन हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि HTML CSS का पार्ट फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ ये हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर जितने भी हमें इंपोर्ट करने हैं आइकन्स, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ किस तरीके से इंपोर्ट करने हैं, यहाँ पर सारे इंपोर्ट करके डाल देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हमें एक्चुअली ये यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये साइड बार में। ठीक है, तो साइड बार में मैंने सारे इंपोर्ट कर दिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर हम, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम सबको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने साइड बार का बटन बनाया, बटन यहाँ पर क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पर एक डिव क्लास नेम जिसका होगा साइड बार अंडरस्कोर ऑप्शंस। ठीक है, साइड बार ऑप्शंस होगा, और हर अलग अलग ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो हम सिंगल सिंगल बना देते हैं। मैं अभी फर्स्ट वाला बना देता हूँ जिसका क्लास नेम होगा साइड बार अंडरस्कोर ऑप्शन, ऊपर वाला ऑप्शन एंड नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली एक स्पैन टैग लेता हूँ,
उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई ड्राइव, और हमें एक आइकन चाहिए होगा यहाँ पर, ये मोबाइल स्क्रीन वाला मैं लेता हूँ, लेट्स सी कैसा दिखता है। तो ये हमारा आ गया माई ड्राइव। तो इसी तरीके से हमें ये सारे आइकन चाहिए होंगे, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, तो मैं सबको एक बारी में कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपली चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा बन गया है। सिमिलरली हमें इसी तरीके से और भी ऑप्शंस चाहिए होंगे, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास सारे ऑप्शंस इसी तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। और सिमिलरली अभी हमें और नीचे क्या चाहिए होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर साइड बार ऑप्शंस जहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर सिंपली एक HR टैग देता हूँ ताकि एक लाइन आ जाए, ठीक है, ये लाइन आ गई। और उसके नीचे हमारे पास है स्टोरेज का आइकन एंड देन दिस प्रोग्रेस बार एंड ऑल दैट, है ना। तो इसको भी मैं सिंपली एक ही बारी में आपको करके दिखा देता हूँ। सेम है, मतलब साइड बार ऑप्शंस को ही ऊपर से हमने कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको HR के जस्ट नीचे जहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन दी है उसके जस्ट नीचे सेम है साइड बार ऑप्शंस, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा, फिर क्लाउड का आइकन, उसमें स्टोरेज लिखा होगा, फिर हमारे पास एक प्रोग्रेस बार की डिव है जिसमें प्रोग्रेस बार होगा, साइज़ टिनी, वैल्यू उसकी 50% होगी मतलब, एंड मैक्स 100 होगा, और सिंपली स्पैन में एक हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी स्टाइलिंग, ठीक है। साइड बार डॉट सी एस एस जो हमने बनाई, साइड बार डॉट सी एस एस बना दी क्या हमने, ये है साइड बार, ठीक है, हमने बनाई है साइड बार। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये फुल विड्थ आ रहा है गाइज अभी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस में मैं चलता हूँ, और जैसा कि मैंने हेडर में करा था अगर आपको याद होगा, हेडर में लेफ्ट वाले को हमने इतनी विड्थ दी थी, तो सेम सिमिलरली हम चलेंगे इंडेक्स डॉट सी एस एस में, और हमारी जो डॉट ऐप होगा डिस्प्ले ग्रिड एवरीथिंग विल बी सेम दिस दिस, ये हम हटा देंगे। तो आप देखोगे ये उतनी ही विड्थ लेगा जितनी हमारी ऊपर लोगों की विड्थ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, साइड बार डॉट सी एस एस में सबसे पहले मैं चलता हूँ साइड बार में, इसको मैं भी कर देता हूँ क्लोज, और अपनी साइड बार खोल देता हूँ, स्क्रीन कर लेते हैं स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं साइड बार में, साइड बार में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है, इसने 10 पिक्सल ले लिया। उसके बाद जो हमारा साइड बार बटन है, इसके अंदर जो हमारा बटन है, तो उसका गाइस क्या होगा, बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है। और डिस्प्ले हम इसको कर देंगे फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम सेंटर और बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, ठीक है, इस टाइप से तो थोड़ा बन के आ गया हमारा ना। तो पैडिंग हम इसको दे देंगे टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम इसको दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल ताकि लोगों के साइड से स्टार्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बॉक्स शैडो इसको दे देता हूँ थोड़ा, बॉक्स शैडो जो कि होगा 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल, सी सी सी, ठीक है, बॉक्स शैडो भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस बटन के अंदर जो हमने स्पैन दे रखा है ये वाला न्यू जो हमने लिखा हुआ है, इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। इसकी स्टाइलिंग होगी सिंपली फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बढ़ा देंगे 16 पिक्सल, और उसके बाद मार्जिन राइट से हम 20 पिक्सल दे देंगे, और मार्जिन लेफ्ट से हम चाहते हैं थोड़ा स्पेस रहे इसमें 10 पिक्सल का, तो ये बटन एकदम परफेक्ट हमारा रेडी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने साइड बार ऑप्शंस में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप कितना दें, 10 पिक्सल इज इनफ, ठीक है, 10 पिक्सल। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो ये साइड बार ऑप्शन है, साइड बार ऑप्शन, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम गाइस सेंटर, सेंटरली लाइन हो जाएंगे सारे, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, स्पेस भी बढ़ जाएगा इनमें। पैडिंग टॉप बॉटम से 80 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, राइट वाला पार्ट इनका थोड़ा सा कर्वी है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए मैं इसमें देता हूँ बैकग्राउंड रेड देता हूँ सपोज, एंड बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, 0 पिक्सल। तो लेट्स सी, ठीक है, कर्वी बॉर्डर आ गए, अब हमें बैकग्राउंड रेड की कोई नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि इस पर जब कोई हवर करे, इस पर जब कोई हवर करे तो फिर बैकग्राउंड दिखे हमारा, है ना। बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, ये देखो अगर मैं हवर करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर भी इसमें बन के आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कर्सर भी पॉइंटर बन के आ जाए ना, पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिमिलरली ये साइड बार ऑप्शंस के अंदर जो स्पैन है थोड़ा बहुत बड़े आ रहे हैं, इसमें देखो कितने नीट एंड क्रिस्पी आ रहे हैं ना, क्लीन, इसमें थोड़ा बड़े आ रहे हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं हम साइड बार ऑप्शन के अंदर जो, सॉरी, के अंदर जो स्पैन है इसको दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ऑफ 13 पिक्सल, ठीक है, एंड फॉन्ट वेट ऑफ 500, एंड कलर दे देते हैं इसको RGB 78.78.78, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहे हैं ना। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले को हमें एक्टिव दिखाना है, इसको देखो इस तरीके से एक्टिव दिखाना है। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वाले को डिफरेंट क्लास हमें देनी पड़ेगी जो ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइड बार ऑप्शंस और इसमें लिख देता हूँ एक्टिव डैश एक्टिव, ठीक है। और सेम क्लास हम उठा लेते हैं यहाँ से और एक्टिव वाले में चलते हैं, और एक्टिव वाले का सिंपली हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर होगा FE, लेट्स सी, नहीं आया, हैशटैग E8F0FE, ठीक है। एक सेकंड, इसका ना स्पैन का कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव के अंदर जो हमारा स्पैन है उसका कलर मैं देना चाहता हूँ 1967D2, वही रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आई थिंक मुझे इस, अच्छा कलर, ओके, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, लेट्स मेक वन थिंग इम्पोर्टेंट, नहीं यार एक्चुअली ना मैंने इसको सेव नहीं करा, तो ये आप देख सकते हो इसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आइकन का भी कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है, आइकन का कलर भी चेंज कर देंगे, SVG जो इसके अंदर उसका कलर भी सेम कर देंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी सेम है, प्रोग्रेस बार आ गया, और फिर प्रोग्रेस बार को अब कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार की क्लास क्या है, प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो प्रोग्रेस बार में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं इसमें सिंपली पैडिंग दे देता हूँ थोड़ा सिमेट्री के लिए, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, क्योंकि वो सटा हुआ आ रहा है ना एकदम, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रोग्रेस बार के अंदर जो हमारा स्पैन है उसको डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज इसका कर देंगे हम 13 पिक्सल, और कलर हम कर देंगे इसका दिस, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट भी हमारा बिल्कुल सिमिलर बनाया गाइस, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये जो फर्स्ट वाला है शायद इसमें बोल्ड है, तो वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। स्पैन के अंदर अगर हम इसको सिंपली, मैं इसको बी कर दूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखो हमारा भी हो गया सिमिलर, तो ठीक है। लेफ्ट साइड वाला साइड बार वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ठीक है। अब हमें ये मेन पार्ट बनाना है,
तो फिर हमारा जो है फ्रंट एंड का काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ डेटा। ठीक है, तो एक नया यहाँ पर SRC के अंदर मैं क्या करता हूँ, नया बना लेता हूँ एक data.js। ठीक है, RFCE लिखता हूँ, और यहाँ पर इसका इसका क्लास नेम हम दे देते हैं डेटा। ठीक है, ऐप में चलता हूँ, साइड बार के जस्ट बाद हम इसको कॉल कर देंगे यहाँ पे डेटा को। तो हमारा यहाँ पर डेटा कॉल होना चाहिए, कहाँ चला गया, कंपाइल हो रहा है क्या अभी, ऑन राइट डेटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है ना डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारा आ रहा है। तो जिस तरीके से हमने डेटा बनाया उसी तरीके से हमें डेटा के लिए अलग से CSS भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम हर किसी के लिए बना ही रहे हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, CSS में मैं चलता हूँ और data.css कर देते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं क्लोज। साइड बार का भी कोई काम नहीं है, ऐप का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली कर देता हूँ इम्पोर्ट मैं CSS के अंदर data.css, तो data.css इम्पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, देखो पहले हमारे पास डेटा हेडर है, ये वाला पार्ट है ना, तो इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक div जिसका क्लास नेम होगा डेटा अंडरस्कोर अंडरस्कोर हेडर। ठीक है, इसको, और इसके अंदर भी हमें कुछ आइकन चाहिए होंगे, जैसे ये वाला आइकन है, ये दो आइकन है ना, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं सिंपली इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। जितने भी आइकन मुझे इस पेज पे चाहिए वो तो आपको पता लग ही गया कि हमें किस तरीके से वो आइकन यूज़ करने हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इनको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो हम चलते हैं डेटा में, और यहाँ पर मैंने सारे कर दिए इंपोर्ट। ठीक है, और सिमिलरली हमें क्या करना होगा, मैं डेटा वाला आपको, डेटा का जो हेडर है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, तो सिंपली आपको एक बारी में कॉपी पेस्ट करके दिखा दूँगा फिर समझा दूँगा। तो बस 1 सेकेंड मुझे आप दो, ये जो डेटा हेडर है इसकी जगह हमारा आएगा ये। ठीक है, तो डेटा हेडर में हमारा क्या है, सिंपली देखो डेटा, डेटा के अंदर डेटा हेडर है, डेटा हेडर लेफ्ट, डेटा हेडर राइट। तो लेफ्ट में हमारे पास, मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया माई माई ड्राइव एंड दिस, एंड ये राइट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ऑल राइट। ठीक है, तो डेटा डॉट सी एस एस में हम क्या करते हैं, सिंपली इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ डेटा, डेटा को ऐसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा डेटा जो होगा फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 1 मैंने इसलिए करा कि जितना स्पेस है ये पूरा ले लेगा। ठीक है, उसके बाद डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा हेडर जो है, डेटा हेडर को हमें सिंपली करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, एंड जस्टिफाई कंटेंट, अगर मैं इसको कर दूँ सेंट्री अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे चाहिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये देखो स्पेस बिटवीन हो गया ना। अब देखो इसको फ्लैक्स ऑन मैंने क्यों करा था, मैं दिखा दूँ, क्योंकि ये फिर ओके बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स ले रहा है। लेट मी जस्ट रिमूव इट। ठीक है, चलो अभी इसको रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा जो ये लेफ्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी मुझे, इसमें एक चीज़ और करता हूँ, क्या कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम दे देते हैं, बॉर्डर बॉटम ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। ठीक है, एंड देन हम दे देंगे हाइट ऑफ 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेटा लेफ्ट वाले को हमें करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि वो दोनों आइकन हमारी एक ही लाइन में अलाइन हो जाएं। मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड, हुआ क्यों नहीं, डेटा हेडर के, नो डेटा हेडर, नॉट डेटा हेडर लेफ्ट। तो ये आप देख सकते हो एक ही लाइन में हो चुके हैं अलाइन। ठीक है, और फिर थोड़ा सा यार इसके जो आइकन है हेडर राइट के, ये एकदम चिपके चिपके आ रहे हैं, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, हेडर राइट के अंदर जो SVG है इसमें मार्जिन दे देता हूँ
टॉप बॉटम से 0 एंड लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। ठीक है, परफेक्ट आ गया एकदम, है ना, परफेक्ट। लेकिन ये इतने ही स्पेस में आ रहा है हमारा, हाँ फुल में आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सिंपली इंडेक्स डॉट सी एस एस में इसको ऑटो कर दिया था। इसको मैं कर देता हूँ 50। तो ठीक है, ये हमारे भी एकदम परफेक्टली एकदम इसी की तरह आ रहा है ना। ठीक है, एक चीज़ और हम कर सकते हैं वैसे, कहाँ पे है डेटा डॉट सी एस एस में हेडर, हेडर में हमने हाइट 40 पिक्सल दे दिए। ठीक है, ठीक है, या फिर जो हमारा डेटा का है वो उसको हम देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा परफेक्ट स्पेसिंग हमारा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा है यहाँ पर, ये दो पार्ट हैं। ठीक है, एक तो ये है ग्रिड व्यू, एक है लिस्ट व्यू। ठीक है, ग्रिड व्यू एंड लिस्ट व्यू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग डिव बनानी पड़ेंगी। एक होगा, कैसे समझाऊँ आपको, यहाँ चलते हैं डेटा में, हेडर कहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, यहाँ पर हेडर क्लोज़ हो रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली एक क्लास नेम रखता हूँ जिसका होगा डेटा अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेंट। ठीक है, और इसके अंदर एक होगा डिव क्लास नेम, ये होगा डेटा ग्रिड, ये जो ग्रिड व्यू है। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास एक होगा लिस्ट, लिस्ट व्यू। ठीक है, जिसमें लिस्ट आएगी। तो ग्रिड व्यू के अंदर हमें क्या करना है, ग्रिड व्यू के अंदर मैं सिंपली एक डिव बनाऊंगा जिसका क्लास नेम होगा गाइस डेटा अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेंगे आइकन, इंसर्ट ड्राइव आइकन, जो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, और पी टैग में मैं यहाँ पर दे देता हूँ फाइल नेम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से हमारा बन के आ गया। ठीक है, तो इसको मैं दो तीन बारी कॉपी कर लेता हूँ, दो तीन फाइल बना देते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हमारी दो तीन फाइल बन गई। सेम लिस्ट व्यू हमें बनाना है। तो ये क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग रो हैं, तो इसको रो की तरह ही बनाते हैं लिस्ट व्यू में। तो लिस्ट व्यू में मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास नेम मैं रखता हूँ डिटेल्स, डिटेल्स रो लिख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली पी टैग मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पर हमें एक आइकन भी चाहिए होगा, और ये ऊपर वाला शायद सारा बोल्ड है। तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, नेम, और इसके अंदर होगा एरो डाउनवर्ड आइकन, है ना, ये मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे आइकन भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिमिलरली कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर हमें आइकन नहीं चाहिए, और हमें क्या क्या चाहिए, ऑनर कॉपी कर लेता हूँ इसको, मॉड लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हमें चाहिए फाइल साइज। तो ये हमारे सारे बन के आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इसी को मैं करता हूँ कॉपी और नीचे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, बस यहाँ पे एरो आइकन की जगह हमारा आ जाएगा अब इंसर्ट ड्राइव फाइल आइकन, और बाकी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मी लास्ट मॉडिफाइड, इसको लिख देते हैं यस्टरडे, और इसको अभी के लिए 1 GB। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, मी यस्टरडे 1 GB, ये सारे बोल्ड क्यों आ रहे हैं, अच्छा ये बोल्ड हमने रखे हैं इसलिए बोल्ड आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं नीचे वाले में, क्योंकि ऊपर वाला तो हेडर है, नीचे वाला हमारा सिंपली वो है। अब ठीक है, इसकी पहले से यार जल्दी से स्टाइलिंग कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बन क्या रहा है ना। तो हमने स्टार्ट करा था कहाँ से, डेटा कंटेंट से ना। तो डेटा कंटेंट तो हमारा ठीक है, डेटा ग्रिड में मैं चलता हूँ, डेटा ग्रिड को मैं सिंपली क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, और अलाइन आइटम अगेन सेंटर, और मार्जिन टॉप दे देते हैं इसमें 30 पिक्सल या फिर हाँ 30 पिक्सल, और मार्जिन बॉटम में दे देता हूँ फिर से 30 पिक्सल। तो हमारा कुछ इस टाइप से बन के आ गया। ठीक है, अब डेटा ग्रिड के अंदर हमारा क्या है, डेटा ग्रिड के अंदर जो है डेटा फाइल है। तो मैं डेटा फाइल को करता हूँ कॉपी, डेटा फाइल में हम चलते हैं, इसका सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन होगा सेंटर। ठीक है,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट स्मोक एंड मार्जिन सब में थोड़ी थोड़ी आ जाए, ठीक है, या फिर हम इसको लाइट ग्रे भी कर सकते हैं, लाइट ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की, 200 पिक्सल, ठीक है। एंड पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग हम टॉप से 10 पिक्सल दे रहे हैं, बाकी हमें कहीं से भी पैडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारी फाइल आ चुकी है, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 5 पिक्सल, कर्वी बॉर्डर आ जाएंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेट पी है ना, पी टैग, तो डेटा फाइल के अंदर जो पी है इसको हमें क्या करना है, थोड़ा इस तरीके से बनाना है ना, तो जो पी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो इसको दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप से भी 5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज ऑफ 12 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसको वाइट स्मोक, और पैडिंग टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हमारी फाइल बन गई है। इस आइकन का साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो SVG है इसका फॉन्ट साइज़ कर दो 60 पिक्सल, 60 पिक्सल कर दो, और कलर कर दो इसका ग्रे। ऑल राइट, डन है ना। अब हम करते हैं ये डिटेल वाला जो हमने बनाया है, तो डिटेल वाला कहाँ है, ये पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली चलते हैं हम, और इसको भी करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अलाइन आइटम कर देंगे इसको सेंटर, एकदम चिपक जाएंगे वो एक दूसरे के, और इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इक्वल स्पेस रहे सब में, ठीक है, और इक्वल स्पेस रहे, देन बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर आ गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे देंगे इसको 10 पिक्सल की, ठीक है, ऑल सेट है। नेक्स्ट जो डिटेल्स रो है, यहाँ पे ये आइकन ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, तो ये पी जो है इसको हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और थोड़ा फॉन्ट साइज भी 13 पिक्सल, तो ये एकदम अलाइन हो चुके हैं, लेकिन ये ऊपर वाला अलाइन नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि ये बी के अंदर है, तो पी के अंदर जो बी है उसमें भी हम सेम करेंगे, फॉन्ट साइज बस हटा देते हैं। व्हाट हैपेंड, पी के अंदर जो बी है, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, सही तो है, पी के अंदर जो बी है, पी पी तो बी तो लिखा है, पी के अंदर जो बी है, सेव, आई डोंट नो, कुछ ब्रेक हो रहा होगा पक्का, ये बी है, बी टैग, ठीक है, क्लोज हुआ है, पी क्लोज है, पी क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है पी, एनीवे, खैर छोड़ो अभी के लिए, हम सीएसएस हमारा मतलब एचटीएमएल सीएसएस हमारा मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। बट पी के अंदर जो एसवीजी है गाइज, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 22 पिक्सल का, और मार्जिन भी दे देंगे इसमें 10 पिक्सल का, इट्स नॉट, सीएसएस क्यों नहीं ले रहा है, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बारी, ओके, ठीक है,
रिफ्रेश करने की दे रही थी बस, बाकी ऑल सेट है। तो ये गाइस हमारा हो चुका है डिज़ाइन वाला पैटर्न कंप्लीट। ठीक है, देखो सिमिलर बन चुका है ना ऑलमोस्ट, बस सिर्फ डेटा डायनेमिक नहीं है और ये जो इंपोर्ट की फंक्शनैलिटी है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हुआ है, बाकी हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट। तो जो है गाइस कल जो है, कल या फिर हाँ, तो ये फ्रंट एंड वाला पार्ट पहले आप कंप्लीट कर लो, फिर जो है मैं साथ ही साथ में इसका बैक एंड वाला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्दी, मतलब एक एक दो दिन में ही कर दूंगा। तो आप ये फ्रंट एंड वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद 100 लाइक्स का गोल है गाइस। ठीक है, आपने अगर ये वीडियो देखी है तो 100 लाइक्स मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हर कोई लाइक बटन को हिट करो यार। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा, अगर 100 लाइक आप लोगों ने कल ही तक कल में ही कर दिए ना, सच में अगर मैं अपलोड करता हूँ इस वीडियो को आज और अगर कल तक मैंने देखा 100 लाइक्स हो गए वीडियो पे, तो नेक्स्ट डे ही या फिर नेक्स्ट डे से पहले ही मैं जो है इसका बैकएंड वाला पार्ट भी डाल दूंगा। ठीक है, एंड कमेंट हर कोई करके बताएगा कि ठीक है लाइक हो गई, लाइक कर दिया वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।